ये कि असी बहुत ज्यादा वधिया चीजा बना लिया, डेवलपमेंट प्रॉपर कर ली, सारा कुछ कर लिया। हुण साडी टीम दा एक सुपना है कि असी ओनू जरा अपडेशन है उसी सिस्टम नू कैलिब्रेट करके अपडेट करिए, होर उपर लै जाइए। एदे विच तुहानू जरा हैगा अपने ऑनरी सैक्रेटरी नाल और अपनी टीम नाल तुहानू सारा ओनू दसना हुंदा है कि तुसी आ काम आपां इदां कर लिए, आपां इदां कर लिए। इस सिलसिला है ना जी, जिमखाना दी एक एग्जैक्टिव पोस्ट तो लैके वाइस प्रेसिडेंट तक, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट तक, यह बड़ा ही एक एक्सपीरियंस जो सीखने वाला सफर रहा है। जो मैं विजन दिता सी तो मैनू लोगों ने कहा भी थे कि है व्हाट इज दिस वेजिटेरियन किचन, क्यों अलग लेके आना चाहता है। अज ओ वेजिटेरियन किचन एक तरीके का शहर का हर पास कोने कोने चर्चा होने लग पी है। तो आई विल बी लाइक रियली हैप्पी कि दिस विल बी द फर्स्ट क्लब इन नॉर्थ इंडिया और इन पंजाब हू इज टेलिंग कि अपने कोल जिहड़ी किचन हैगी आ ओ वेजिटेरियन किचन अलग है, नॉन वेजिटेरियन किचन अलग हैगी है। और वेंकट रत्नम साहब की अगुवाई दे विच आपां ओ किचन दित्ती रेस्पेक्टेड मैंबर सारिआं नूं, ओ किचन जिहड़ी हैगी आ लोकी देखण आउंदे सी बाहरों कि जिमखाना ने किदां दी नवीं किचन बनाई है। मैं फिर यकीन दिलाना है इह विजन दे उपर, अगर मैं आना मैं ते करांगा ही करांगा कम, अगर कोई होर वी इत्थे आंदा हैगा ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਰਿਮੇਨਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਲੱਬ ਫਾਰ ਦਾ ਟੂ ਕੰਜ਼ੀਕਟਿਵ ਟਰਮਸ। ਤੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नमस्कार, हॉट न्यूज इंडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। जैसे जैसे जिमखाना क्लब के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही उम्मीदवारों द्वारा अपना चुनाव प्रचार भी बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही कुल दो दिन ही चुनाव के लिए बचे हैं। हम देख रहे हैं जैसे कि उम्मीदवारों द्वारा अपना अपना चुनावी प्रचार जमीनी स्तर पर किया जा रहा है, वैसे ही एक उम्मीदवार राजू विर्क जो कि जूनियर वाइस प्रधान के पद के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, पर उन्हें दो बार इस पद पे काम करने का तजुर्बा भी है, फिर भी वह ये चुनाव प्रचार किसी पहली बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की तरह ही जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनकी मेहनत और लगन के कारण ही ये बात सामने आई है कि जहां पहले उनके विरोध में उम्मीदवार के 500 से ज्यादा वोट बताए जा रहे थे, वहीं अब उनके विरोधी उम्मीदवार को हाथों पैरों की पड़ रही है। इसके साथ ही आपको ये बता दें, जब उन्हें जिमखाना के चुनाव के बारे में पता चला था तब ही उन्होंने जिमखाना के सदस्यों से पर्सनल तौर पर मिलना शुरू कर दिया था और अपनी मेहनत और लगन के कारण ही हम उन्हें इस तरह से देख पा रहे हैं। जिमखाना क्लब के चुनाव दिन प्रतिदिन रोचक रूप धारण करते जा रहे हैं। चुनाव में केवल दो दिन ही शेष बचे हैं और दोनों ग्रुप यानी कि अचीवर सेम प्रोग्रेसिव ग्रुप के सभी उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में बड़ी तेजी से चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ सभी उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार जारी रखे हुए हैं और क्लब सदस्यों से अपने लिए वोटों की मांग कर रहे हैं, वहीं एक उम्मीदवार ऐसा है जो चुनाव तो जूनियर वाइस प्रधान के लिए लड़ रहा है और उसे दो बार इसी पद पर काम करने का तजुर्बा भी प्राप्त है, मगर वह अपना चुनाव प्रचार किसी पहली बार चुनाव लड़ रहे एग्जीक्यूटिव सदस्य की भांति जमीनी स्तर पर लड़ रहा है। एजीएम के बाद चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद से ही राजू विर्क ने क्लब के सभी सदस्यों को निजी तौर पर मिलना आरंभ कर दिया था और उनकी अथक मेहनत एवं लगन का ही नतीजा है कि आज मौजूदा समीकरण ये बन चुके हैं कि जहां पहले उनके विरोधी उम्मीदवार को 500 वोटों से अधिक गिनती से जीता हुआ बताया जा रहा था, वहीं आज उसी विरोधी उम्मीदवार को हाथों पैरों की पड़ चुकी है। आज पूरे जलंधर के हर कोने, हर सामाजिक, कारोबारी, राजनीतिक वर्गों से एक ही बात सुनाई दे रही है कि पूरे जलंधर का एक ही नारा है, राजू विर्क हमारा है। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने कारोबार को संभालिया जिदी वजह ना ये ग्रेजुएशन नहीं कर सके, लेकिन इन्हां दे कोल सारी इंडस्ट्रीज हैगियां आ समर्था रखते क्लब की मैंबरशिप लैन लई। पुरुषार्थ सर ने गल कही कि सारा कुछ चला ठीक है, बट आई एम सॉरी
कि आ जिहड़ी चीज़ आ फुलफिल नहीं होती। जान लगे मैं उदो बैठा सी उत्थे, मैं कहा सर, मैं ना पिछे गया गया सी प्रिंस जी तुहाडे, उदो मेरी कोई वाकफत नहीं सी ना, इहनां दी फाइल किसी होर बंदे ने पुट कीती सी। मैं उहदे पिछे गया, मैं जाके पुछया, मैं कहा भाजी भाभी जी ग्रेजुएशन कीती हुई है? कहिंदे हाँ जी कीती हुई है। मैं कहा सर असीं इहनां दी वाइफ नूं दिंदे मैंबरशिप? कहिंदे यार दैट कैन बी डन। तो इमीडिएटली दैट मैंबरशिप हैज बीन गिवन टू हिज वाइफ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जलंधर जिमखाना मुनीश तनेजा दुबई च ने इस वेले, उन्होंने उपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपर उन्होंने मैंबर बनाया, उन्होंने इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने कराई, डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट मंगाए, सर को सबमिट कराया कि सर ये बंदे कैलिबिलिटी वाले बंदे हैं, क्यों नहीं हो सकता। सो दीज आर द थिंग्स आई हैव डन अलॉन्ग विद माई टीम देयर। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वोट अस, सपोर्ट अस टू ऑल प्रोग्रेसिव टीम, सो दैट वी कैन कम एंड सर्व यू इन अ बेटर वे। तो इस यंगस्टर हैगा, अगर नहीं आएगा तो कोई यंग बच्चा क्यों नहीं आएगा, सीधी गल इहदे ध्यान रखो। बाकी एग्जैक्टिव मैंबर साढ़े आ रहे हैं, उन्होंने भी निरुला जी भी हर कि इलैक्शन कंटेस्ट करना चाहते सी, किसी वजह ने रह गए हैं, कहते मन नहीं बने अगले साल मन बना के एडवोकेट निरुला जी। तो मैं हम थोड़े सारे को थैंक्स कहना तुम्हें इतने आन का, और मैं माफ़ी मंगता थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि एक्टिविटी एक तो एक हैगी है, तो मैं हूँ थोड़े नाल ही इतने है, मैं हम कि नहीं जा रहा।